प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा पद्मावत भाग दो पेश है। आपने इस किस्से के पहले भाग में ये सुना कि दंतसेन राजा की लड़की पद्मावत के जनाने बाग में घूमता फिरता एक परदेशी लड़का आ गया और जब अपनी सखियों के आग्रह पर पद्मावत ने परदेशी के दर्शन किए तो वह तो उसे देखते ही उसके प्रेम में पागल हो गई। फूलों से इशारे करके कहने लगी कि रात को मेरे शीश महल में आ जाना, मैं तुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि रणवीर अपनी प्रेमिका के एक भी इशारे का अर्थ नहीं समझा था और न ही उसका बिछड़ा दोस्त चंद्रदत्त ही उसे अभी मिला था जिससे वह सलाह मशवरा कर लेता, अतः वह पद्मावत के महल में नहीं पहुंचा और राजकुमारी पद्मावत रात भर अपने प्रेमी के विरह में तड़पती रही और फिर परदेशी के ऊपर गुस्सा करने लगी कि क्यों रात भर मुझे तड़पाया है, क्यों मेरे पास नहीं आया। और सुबह जब पद्मावत की सखियां उसे ढूंढने के लिए फिर बाग में लाती हैं तो पहले तो पद्मावत अपने प्रेमी के दर्शन करती है और फिर रात का गुस्सा झाड़ती है और फिर मर्दों में दोष निकालती है। लेकिन रणवीर भी औरतों में दोष निकालता है, अपने दोस्त चंद्रदत्त से क्या कहता है और पद्मावत अपनी सखियों से क्या कहती हैं, दोनों के जवाब सवाल होते हैं किस तरह से। नस नस में छल भरा हुआ हो सगी किसे किनार नहीं, अधम विचारे छोड़ भी ने कर ले मर्द किनारा हो, नागनसी हो नारबुरी भरगात जहर में सारा हो, हरिचंद भीड़ परी में बेची ब्याही तारा हो, हीरे कारण उस रांझे ने छोड़ा तक हजारा हो, हीरे कारण उस रांझे ने छोड़ा तक हजारा हो, ये गर्ज पड़े पे प्यारे हो सच्चा मर्दा का प्यार नहीं, तीर का मारा न पानी मांगे इनते भुंडी मार नहीं, नस नस में छल भरा हुआ या सगी किसे किनार नहीं। दोष नहीं था ये कामा पत्थर की दी बड़ा शिला, विश्वामित्र तपधारी था त्रिया ने दिया धूल मिला, दमयंती में खोट त्याग दी नल पापी का दिल हिला, सिर की बंद की गैल भाग जा वीर छोड़ दे महल किला, सिर की बंद की गैल भाग जा वीर छोड़ दे महल किला, ये मर्द काट दे खोट वीर में वीरा ने अधिकार नहीं, मार खसम ने सती बने इस वीर जिसी बदकार नहीं, बेवफा मर्द की जाति सखीन मर्दा का एतबार नहीं, नस नस में छल भरा हुआ हो सगी किसे किनार नहीं। नागनी बक्से कोना जो मौके पे थावे से, मन चाही ये मर्द करे पर दोष वीर कहलावे से, सब चीज जाते वफा मिले ना वफा वीर ते पावे से, सब चीज जाते वफा मिले ना वफा वीर ते पावे से, ये
मर्द कुचलनी बेबुद्धी का खाली जाता वार नहीं। नस नस में छल भरा हुआ हो सगी किसे किनार नहीं। त्यागी और वैरागी मारे त्रिया ने कर तंग घने। रूप देख के स्त्रिया का क्यों हो से मत भंग घने। नफा किसे ने ना पाया करे वीर जात का संग घने। सत्यपाल अधम में वो डूबेगा रटता जो पर तारी नहीं। गुरु जय सिंह बिन करम पाल तेरा खिलता है प्रचार नहीं। नस नस में छल भरा हुआ हो सगी किसे किनार नहीं। इस प्रकार से दोनों ओर से काफी देर तक गहमा गहमी चलती रही। और भी पद्मावत व रणबीर कह सुनकर इस प्रकार से शांत हो गए जैसे आकाश में बादल खूब बरस कर शांत हो गए हों। फिर पद्मावत अपनी सखियों से पूछती है कि सखी इस परदेशी से कम ये तो पूछ लो कि ये कहाँ के रहने वाला है और यहाँ हमारे बाग में किस कारण से इसका आगमन हुआ है। तो रणवीर से सखियां उसका परिचय पूछती हैं और रणवीर क्या जवाब देता है। से हाल मेरा घर गाम छुटा के जब यामी तबीयत मेरी चरोली। इसने क्यों मारी थी झोली लंबा हाथ उठा के बुझे से हाल मेरा घर गाम छुटा के। नाम गाम का भेद बता पर देसी समझा के के बुझे से हाल मेरा घर गाम छुटा के। जैसे हाल मेरा घर काम छुटा के। नाम काम का भेद बता पर देसी समझा के। के बुझे से हाल मेरा घर काम छुटा के। कदे कहो या सची में
मैं ना साचा किसी बतड़ावे से देखे पाछा, इसते अच्छा ते मर जा अपनी जिती गुटा के। ए बुझे से हाल मेरा घर गाम छुटा के। नाम गाम का भेद बता पर देसी समझा के। के बुझे से हाल मेरा घर गाम छुटा के। नाम गाम का भेद बता पर देसी समझा के। के बुझे से हाल मेरा घर गाम छुटा के। लखमी चंद छंद न कह जा, जै किसे का जी फंदे में फैजा। लखमी चंद छंद न कह जा, जै किसे का जी फंदे में फैजा। मैं तेरे भरोसे, मैं तो तेरे भरोसे क्वारा रह जा अपने ब्याह की उका के। के बुझेगी हाल मेरा घर काम छुटा के। नाम गाम का भेद बता पर देसी समझा के। के बुझेगी हाल मेरा घर काम छुटा के। अब तो पद्मावत अपनी सखियों के साथ में झूल में झूलना शुरू कर देती है। इतनी देर में रणवीर का बिछड़ा दोस्त चंद्रदत्त भी वहां आ गया और चंद्रदत्त रणवीर से पूछता है कि दोस्त तू कहां यहां बाग में छिपा बैठा है और मैं जाने तुझे कहां कहां ढूंढता फिर रहा हूं। कल से तेरा पता ही नहीं चला है और तू ये बता तेरा हाल क्या है। तो रणवीर बताता है कि दोस्त वो देखो, वो जो लड़की अपनी सखियों के साथ में झूल रही है, मैं तो उस गुलाब के पुष्प पर भंवरे की तरह उसका रसपान करने की इच्छा से यहाँ बाग में रुका हुआ हूँ। इधर तो रणवीर चंद्रदत्त से बातें कर रहा है, उधर पद्मावत अपनी सखियों के साथ झूल रही है। गीत गाती हुई सखियां क्या कहती हैं, लाख टके का है मां मेरी जो हे माँ मेरी।
ना भूल क्या की है माँ मेरी नात सहरी, ना भूल क्या की है माँ मेरी नात सहरी, हेरी जाए तो ते करे तकरार, खड़ी है मैं भी जो है माँ मेरी इधर तो सखियां झूल रही थी और उधर रणवीर अपने दोस्त चंद्रदत्त से कहता है कि मित्र वो देख जिसका गुलाबी सा सूट है ना वही है मुझ पागल परवाने की शमा, बस उसने ही मेरा दिल लिया है। लेकिन चंद्रदत्त अपने दोस्त को समझाता है कि रणवीर तू परदेश में आकर क्या यहां आशिकी करने चला है, घर चल, इन औरतों के चक्कर में तो बड़े बड़े लोग बिगड़ चुके हैं। और इस प्रकार से दोनों दोस्तों के बीच में सवाल जवाब होते हैं, क्या कहते हैं। सखियां के मां झूल रही देखे ने यार नजारा, तके पराई नारी यार तू जा बिन आई मारा, सखियां के संग झूल रही देखे ने यार नजारा, तके पराई लाके चोट इसकी की छुट जा पीना खाना, पर त्रिया ते प्रीत बताया काला ना खिलाना, पर गुरुसी ने वीर के कारण तज दिया भगवा बाना, इसक जगह ना उके भूप के नागा रूप छाना, हाँ लगी नैन की चोट घोट गले, लगी नैन की चोट घोट गले, करूं जान का घारा पर नारी नहड़ के रावण कुटम खपा गया सारा, सखियां के संग झूल रही देख ने यार नजारा, तके पराई नार यार तू जा बिन आई मारा। मासुका के संग में आशिक यूहे खस्ते देखे, छेड़ बता जिसके घर बसते देखे, इन वीरा के मोह में भाई बड़े बड़े फंसते देखे, नारद बंदर बना खूब नर नारी हंसते देखे, नर नारी हंसते देखे, जान काढ ली मेरी हूर ने, जान काढ ली मेरी कर मन इशारा, मानस ने दे मार जानते
कोना चाल चारा सखिया के संग झूल रही दे कहने या नजारा कहे पराई नार यार तू जा बिन आई मारा झोली दे के करती सारे मिठी वाणी बोवे फिर या चरितारी ना जाने क्यों बड़ा भूल में सोवे गुर परी ते मने मिला दे या दाग जिगर के धोवे गैर वीर के मोह में फसके जिंदगानी न खोवे मेरे बसन कारा कर दे मने मेरे बसन कारा कर दे मने ले लिया तेरा सहारा गैरो पंडो मरे वीर के कारण जाने से जग सारा सखिया के संग झूल रही दे कहने या नजारा कके पराई नारे यार तू आई मारा तेरे हाथ में बात यार मेरा बेड़ा पार लगा दे होते न दे जगा मनुष्य जगते ने कौन जगा दे कर देने एहसान यार मेरी इसकी जोट मिला दे गुरु जय सिंह के दोरे जातन सच्ची राह दिखा दे सच्ची राह दिखा दे करमपाल शर्मा गावे से करमपाल शर्मा गावे से नित नया रंग प्यारा मंजू शर्मा हर भक्ति से हो जागा निसितारा सखिया के संग झूल रही दे नया नजारा तके पराई नारे यार तू इस प्रकार से पद्मावत और बगीचे में सखियों के साथ झूलने के बाद अब घर वापिस चली आई। अब तो रणबीर अपने दोस्त चंद्रदत्त से पूछता है कि मित्र अब तू मुझे उन इशारों का अर्थ समझा दे जिनको मेरी प्रेमिका मेरी तरफ करके गई है। तो पहले तो चंद्रदत्त सोचता है कि रणबीर तो यहाँ बाग में आकर इन लड़कियों के चक्कर में फंस गया है और घर चलने का इसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अतः इशारों का अर्थ गलत सलत बताऊंगा जिससे घर चला चले। और फिर रणबीर इशारा बताता है और चंद्रदत्त उन इशारों के गलत सलत अर्थ बताने लगता है। कहता है कि वह इशारे से ये कह के गई है कि या तो बाग से बाहर चला जा नहीं तो तेरे जैसों के यहाँ थोपड़े पिटते हैं। लेकिन जब रणबीर चंद्रदत्त की बात समझ गया कि यह मेरे साथ में मजाक कर रहा है तो रणबीर निवेदन करता है कि भाई यह मजाक करने का समय नहीं है और मजाक छोड़ कर के मुझे इशारों का सही सही अर्थ बता दे। तो फिर चंद्रदत्त कहता है कि दोस्त जब तू नहीं मानता है तो सुन मैं तुझे सारे इशारों का अलग अलग अर्थ समझाता हूँ। सबसे पहले फूल को उसने पैर के नीचे दबाया था, अतः पैर को कहते हैं पद और उसका नाम पद्मावत है। और जैसा कि तुमने ये बताया कि फिर उसने फूल को दांतों के नीचे दबाया था इसलिए वह राजा दंतसेन की पुत्री है। तुमने मुझे ये भी बताया कि उसने फूल को कान से लगाया था, अतः वह कर्नाटक शहर की रहने वाली है। छाती से लगाने का अर्थ है कि यदि तू मुझे दिल से चाहता है तो मेरे पास आ जाना।
डोरी खींची थी, शीशा चमकाया था। शीशे का अर्थ है मेरे शीश महल में आ जाना, और डोरी का अर्थ है महल के पीछे रस्सा लटका मिलेगा, उस पर चढ़कर ऊपर आ जाना। 12 फूल फेंके थे, इसका अर्थ है कि रात के 12 बजे आना है। इस प्रकार सारे इशारों का अर्थ समझाकर वह तुझे गई थी। अब तो रणबीर ने भी एक एक इशारे का अलग अलग अर्थ समझ लिया और रात के समय पद्मावत के महल में पहुंच गया। पद्मावत को सोती हुई को देखकर उसके पलंग से कुछ दूर खड़ा हो जाता है। उसके मन में शंका और झिझक आती है कि कैसे जगाऊं, और फिर दूर खड़ा हुआ क्या सोचता है। आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने। आशिक हो क्या खड़ा सिराने, आशिक हो क्या खड़ा सिराने, आशिक हो क्या खड़ा सिराने। घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने। आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने। का फंग
चंद कदया नहीं पिछाने, आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने, आशिक हो गया खड़ा सिराने। रणबीर काफी देर तक सोई हुई पद्मावत के पलंग से कुछ दूर खड़ा रहा और फिर धीरे से उसका पल्ला पकड़कर खींचता है और इस प्रकार से पद्मावत को जगा देता है। तो पद्मावत एकदम उठ बैठी, सामने अपने प्रेमी रणवीर को देखकर कहती है कि अरे आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी और मेरी तो अभी आंख लग गई थी। और फिर रणबीर व पद्मावत के बीच में क्या वार्ता होती है सुनिए। तेरे किले का पाया तन पे मुसीबत भारी थी, मैं कितना प्रेम मने तने के मैं इतनी प्यारी थी, धने भागा जी घर आया। और दीप सफाई हो से बात की रे गोरी, हो से बात की आज मैं घनी सात की होरी, ला तेरी नवज देख लूं गोरी, तन में ए बीमार थी मेरी आंसू आगण रात भाई की सू जन्म का मारी थी, धने भागाज घर अपने दुख रोवे जन के भी तिम्हारी गैल बावड़ी के भी तिम्हारी गैल, महल का हो रहा कुआ घेरा सिपिया चांद हुआ अंधेरा, शिखर पे ये हिरनी आ रही थी मेरी पड़ पे फूटी आंख कमदनी चलट का रही थी, पकड़ा था गोरी हंगा सा करके किसे का हंगा सा करके, डर के जीने में जिया बड़ी मुश्किल से आवन दिया, एक बनिया तैयार थी तेरे पांभण बनिया यार, तने के ताना भारी थी, तने भाज आज घर आया। कोई पत्ता तक ना हाल है गोरी, पत्ता तक ना हाल है, अब ना चले काम रहे थे
उसको तम के घर गए ते चांद के धोती मारी थी। तेरे किले का पाया तन पे मुसीबत भारी थी। जितना प्रेम मने तने के मैं इतनी प्यारी थी। धने भागा जी घर आया। इस प्रकार से रणबीर व पद्मावत काफी देर तक बातचीत करते रहे। बातचीत के दौरान रणबीर अपनी प्रेमिका से पूछता है कि राजकुमारी, वैसे तो तुम्हारा पूरा परिचय मेरे दोस्त चंद्र दत्त ने ही मुझे बताया था कि उसका नाम पद्मावत है, वह अमुक राजा की लड़की है, अमुक शहर के रहने वाली है, क्योंकि वह भी एक बड़ा विद्वान लड़का है। लेकिन क्या उसने सब कुछ मुझे सत्य बताया है? मैं इन सब बातों की पुष्टि तेरे मुख से सुनना चाहता हूं। तो इस प्रकार से रणबीर पद्मावत से क्या पूछता है और पद्मावत क्या जवाब देती है। तू किस राजा की छोरी बुझा चाहूं मैं, तेरे लाड लडाऊं मैं। किस राजा की छोरी बुझा चाहूं मैं, तेरे लाड लडाऊं मैं। दंत सेन की छोरी तने बताऊं मैं, तेरे चरण दबाऊं मैं। मन ते बे तेरा न पाया मैं तो बड़ी मुश्किल से आया। दिल में लगाऊ माया आज आनंद होगी काया। बड़ी तेरे रूप की छाया खुशी मनाऊ मैं, तेरे लाड लडाऊ मैं। किस राजा की छोरी बुझा चाहूं मैं, तेरे लाड लडाऊं मैं। कदे मिलके धोखा कर जा कदे मेरे ते दूर बिगर जा। मैं तड़प तड़प के मर जा तेरे बिन किस तरिया सर जा। कदे क्रोध गात में भर जा खड़ा लखाऊं मैं, तेरे लाड लडाऊं मैं। किस राजा की छोरी बुझा जाऊं मैं, तेरे लाड लडाऊं मैं। करूं सु तेरा कदे तू कर दे घोर यन।
बांध के सर पे सेहरा, तन में ब्याहू मैं तेरे लाड़ लड़ाऊ मैं। किस राजा की छोरी पूछा जाऊं मैं तेरे लाड़ लड़ाऊं मैं दंत सैल की छोरी तने बताऊं मैं तेरे चरण दबाऊं मैं। ते बात बनी मेरे मन की तू ते तियल पहरने सन की, मन नहीं जरूरत धन की मेरी मेट दे तृष्णा तन की। कह सतपाल गुणी जन की सदा महिमा गाऊं मैं तेरे लाड़ लड़ाऊं मैं। किस राजा की छोरी बुझा जाऊं मैं तेरे लाड लड़ाऊं मैं दंत सैन की छोरी तने बताऊं मैं तेरे चरण दबाऊं मैं। अब तो पद्मावत तुझे साफ साफ बता देती है कि मैं आपको पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। और इस प्रकार रणबीर पद्मावत के महल में उसके साथ प्रेम आलाप में सुबह तक लीन रहा। सुबह 4 बजे वह अब महल में से छिपकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार बराबर नजर रखे हुए थे और जैसे ही रणबीर महल से निकलकर चलता है तो पहरेदार उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा उसे जेल में डाल देता है और फांसी का हुक्म सुना देता है। जेल में रणबीर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो रणबीर एक बार पद्मावत को अपनी प्रेमिका से मिलने की ख्वाहिश करता है। पद्मावत अपने प्रेमी के पास जाती है, रणबीर उसके सर दोष धरता है, लेकिन पद्मावत उसे विश्वास दिलाती है कि दिलवर मैंने तेरे साथ प्यार किया है और अपने सच्चे प्यार का सबूत तुझे इस जेल से आजाद करवा के दूंगी। तो दोनों के सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। तन में मरवा दिया मानस खानी अपने घर बुला के, तन नहीं मरण तू परदेसी तू देख मने अजमा के। तन में मरवा दिया मानस खानी अपने घर बुला के, तन नहीं मरण तू परदेसी तू देख लिए मने। कसर रही जब हाथ हथकड़ी पड़ी हुई, मत घबरा मैं परदेसी तेरी सामी पाँव खड़ी हुई। नहीं तेरा इत बार डान मेरे दुखी नगन लड़ी हुई, तेरे बदले में जान झोंक जो क्यों मुंह की लाली खड़ी हुई। इश्क बीमारी सी कसूती को
हो इश्क बीमारी सी कसूती मन देख्या पहाड़ उठा के दुख सुख का ते जोड़ा जग में क्यों बैठा गम खा के मैं मरवा दिया मानस खानी अपने घर बुला के इश्क निशान न लगा गाते में तेरे प्रेम में घिर गया सुख सुख में तेरे साथ रहूंगी क्यों परदेसी डर गया तेरे चक्कर में आके बैरन बिना मौत के मर गया पापन निर्दोष बने ओ इब पापन निर्दोष बने सूली पे मन चढ़ा के देखेगा दारी बारी भया जब ले जाऊं तने छुपा के मन मरवा दिया मानस खानी अपने घर बुला के राजपाट घर बार छुटा अब हवा जेल की खाऊं अपने पिता ते कह के शादी तेरे ते करवाऊं तेरे प्यार ते झिक लिया मैं अब कितकी बनो ब्याहूं मैं कहे सुने की ना माना मेरा यार छिका समझा गए घर के दूर दिला तर हो जा जब ले जागा मन भ्याके मैं मरवा दिया मानस खाई अपने घर बुला के खपा दी बन के काल लुगाई ने फांसी पे ते बचा लिए खुद बन के ढाल लुगाई ने ऋषि मुनि सन्यासी मोहे कर बुरा हाल लुगाई ने करमपाल के संग मंजू तू देख लिए तू गा के जय सिंह और सत्यपाल मगन रहे नए नए छंद बना के मैं मरवा दिया मानस खाई अपने घर बुला के प्रकार से रणबीर को सजा से छुटवाने का पूरा विश्वास दिलाकर लड़की पद्मावत तो अपने पिता के पास में चली आई
और अपने पिता से आकर के कहती है कि पिताजी, इस परदेसी लड़के को मैं अपना पति मान चुकी हूँ और यह महल में भी मैंने ही बुलवाया था। और आप जानते हैं कि पतिव्रता औरत एक बार ही अपना पति चुनती है। यदि आप इसे फांसी लगाओगे तो मैं या तो अपनी जान गंवा दूंगी या उम्र भर कवारी ही रह जाऊंगी। तो इस प्रकार से अपनी पुत्री के ऐसे शब्द सुनकर फिर तो राजा दंतसेन भी रणवीर को छोड़ देता है और अपनी लड़की पद्मावत के साथ में उसकी शादी कर देता है। प्रेमियों, पद्मावत का यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा गाई गई अलग अलग रागनियों की कैसेट, दो चश्मी रागनियां आप सोनोटोन कैसेट में सुनते हैं।